मैं ईश्वर प्रसाद खंडेलवाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष लश्करे हिंद संगठन, आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप लोगों को ये जानकारी देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ कि गोवा में प्रतिवर्ष की भांति हिंदू जन जागृति समिति द्वारा सप्तम हिंदू राष्ट्र अखिल भारतीय हिंदू अधिवेशन का आयोजन होने जा रहा है 4 जून से लेकर 7 जून तक, और उसमें पूरे हिंदुस्तान के साथ साथ बांग्लादेश, पाकिस्तान और अन्य राष्ट्र देशों में से भी हिंदू संगठन के माध्यम से जो हिंदुत्व के लिए कार्य कर रहे हैं उनके प्रतिनिधि, उनके अध्यक्ष इसमें उपस्थित होने वाले हैं। और इस अधिवेशन के अंदर हिंदुओं की विश्व भर के अंदर जो समस्या है राष्ट्र के अंदर और विश्व में, उसके ऊपर समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर और उन समस्याओं का समाधान प्राप्त करने के बारे में कार्रवाई की जाएगी। और हमारा एक ही लक्ष्य है, हिंदू राष्ट्र की स्थापना, हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना, क्योंकि हिंदू राष्ट्र बनने से ही पूरे विश्व में भाईचारे और शांति आ सकती है। हिंदुत्व की जो धारा है, मुख्य धारा है, हिंदू वैदिक जो संस्कृति है उसके हिसाब से जो पत्थर की, पेड़ की, जानवरों की, वृक्ष की, कुदरत की पूजा करता है, जो कुदरत में मानता है, उसकी मुख्य धारा में चल के ही पूरे विश्व में कम्युनल हार्मनी हो सकती है। इसीलिए हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए हम प्रयासरत हैं और ये हमारा कार्य जारी रहेगा। और हमारे गुरुजी का आदेश है कि हम 2023 में हिंदू राष्ट्र स्थापित करने में सफल होंगे। और आप लोगों से निवेदन है कि जो ये अधिवेशन है उसमें आप लोग भी पधारें और ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में आप ये जानकारी जनता के अंदर प्रसारित करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू भाई हमारे इसमें उपस्थित हो सके और इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर इस विषय पर कार्य कर सके। नमस्कार, मैं सतीश कोचरेकर, प्रवक्ता हूँ हिंदू जनजागृति समिति का। आज एक महत्वपूर्ण विषय पर हम बात कर रहे हैं। आने वाले 4 जून से 7 जून को गोवा में रामनाथ देवस्थान में सप्तम अखिल भारतीय अधिवेशन का आयोजन हिंदू जनजागृति समिति द्वारा किया गया है। आज हम देख रहे हैं कि पिछले 4 वर्षों से एक हिंदुत्ववादी विचारों की सरकार केंद्र में है, मगर फिर भी लव जिहाद, धारा 370 से लेकर बहुत सारे ऐसे हिंदुओं के जो विषय हैं वो आज भी प्रलंबित है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि आने वाले समय में हिंदुओं की ओर इस सरकार का ध्यान होगा। तो आने वाले समय में हिंदुओं के जिस समस्याओं पर समाधान निकले और हिंदू सारे संगठित होकर हिंदू राष्ट्र की स्थापना हो, इस उद्देश्य से सभी हिंदुत्ववादी संगठन भारत के 19 राज्यों से लेकर श्रीलंका, बांग्लादेश, यहाँ से 180 संगठनों के प्रतिनिधि, 650 से अधिक प्रतिनिधि गोवा में इस बार एकत्रित आने वाले हैं। और इसमें धर्म रक्षा, संस्कृति रक्षा, मंदिर सुरक्षा के साथ साथ युवाओं के प्रशिक्षण के साथ साथ अलग अलग विषयों पर चर्चा होगी और हिंदू राष्ट्र के लिए रणनीति तैयार होगी। इस अधिवेशन में विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि सहभागी होने वाले हैं, उनमें से कुछ मान्यवर इस प्रकार हैं। इसमें नेपाल के पूर्व राजगुरु एवं वहाँ की राष्ट्रीय धर्म सभा के अध्यक्ष श्री माधव भट्टराय, संयुक्त राष्ट्र संघ के श्रीलंका के सेवानिवृत्त अधिकारी श्री मरवन पुलावू सच्चिदानंदन, बांग्लादेश की बांग्लादेश माइनॉरिटी वॉच के अध्यक्ष अधिवक्ता रविंद्र घोष तथा नीतीश सरकार, मध्य प्रदेश के परम पूज्य मुकुंद दास जी महाराज, तेलंगाना के परम पूज्य परिपूर्णानंद स्वामी, राजस्थान के स्वामी संविंत सोमगिरी महाराज, भोपाल स्थित धर्मपाल शोधपीठ के निदेशक प्राध्यापक रामेश्वर मिश्र, तेलंगाना के भाजपा विधायक श्री राजा सिंह, तमिलनाडु के हिंदू मक्कल कच्छी अर्थात हिंदू जनता दल के अध्यक्ष श्री अर्जुन संपत, हिंदू विधिज्ञ परिषद के राष्ट्रीय सचिव अधिवक्ता संजीव पुनालेकर जी, ये सारे मान्यवर वहाँ पर उपस्थित रहेंगे और अपने विचार व्यक्त करेंगे।